विदिशा नरेश ने राजकुमारी करवकी पर लगाया घिनौना इल्जाम। क्या राजकुमारी करवकी खुद को बेगुनाह कर पाएंगी साबित? जी हां, कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो प्रचंड अशोक के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे एक तरफ अपनी शादी का ढोल बजाते नजर आएंगे अशोक, जब धर्मा होंगी क्रोधित, कहेंगे अपने बेटे से कि उन्हें शर्म नहीं आती, उन पर एक दासी के मौत का इल्ज़ाम लगा हुआ है और वो इस तरह ढोल बजा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ विदिशा नरेश महाराज के सामने राजकुमारी कौरवकी और अशोक पर ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि दोनों आधी रात रंगरलियां मना रहे थे। यहाँ तक कि अशोक ने ये कहा कि किस तरह वो भले ही राजकुमारी कौरवकी से शादी कर ले, लेकिन सुहाग रात तो अशोक ही मनाएंगे, जिसे सुनकर कौरवकी को लगेगा शौक। वेल, अब यह देखना बाकी बेहद दिलचस्प होगा कि कैसे और किस तरह राजकुमारी कौरवकी खुद को बेगुनाह साबित करती हैं। टेलीविजन से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट एंड गॉसिप के लिए हमारे चैनल पर नजर रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।